पत्रिका की खबर के मुताबिक लॉकडाउन के बाद प्रवासियों को घर पहुंचाने के कई जतन किए जा रहे हैं। अब घर जाने वालों में से 1,30,000 से ज्यादा मजदूर अचानक गायब हो गए हैं, यानी वो घर जाना नहीं चाहते। कहा जा रहा है कि कॉल सेंटर इन्हें लगातार फोन कर रहे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। वहीं दूसरे राज्यों से राजस्थान आने की गुहार लगाने वाले 1.5 लाख से ज्यादा मजदूर भी फोन नहीं उठा रहे। और राजस्थान के श्रम मंत्री टीकाराम जूली हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर बातचीत के लिए। टीकाराम जी, बहुत स्वागत है स्वराज राजस्थान में आपका। ये जो सूचना है कि मजदूर कॉल सेंटर से जो फोन जा रहे हैं उनको नहीं उठा रहे, उससे कितनी बड़ी समस्या आपको पैदा हो रही है? देखिए, समस्या की बात तो यही है कि जितने इंतजाम हम करते हैं जितने लोगों के हिसाब से, जैसे मान लो ट्रेन ही जानी है, ट्रेन में 1440 लोग जा रहे हैं और 1440 के हिसाब से तैयारी कर लेते हैं, उसी हिसाब से फोन करते हैं, लेकिन बाद में दिक्कत आती है, उसमें लोग किसी में कम रह जाते हैं, किसी में ज्यादा हो जाते हैं, इस प्रकार की अव्यवस्थाएं इस वजह से हो रही है। टीकाराम जी, अगर ये हम देखें कि फोन नहीं उठ रहा है या नहीं उठा रहे हैं, तो इससे क्या नतीजा निकाला जाए? क्या अब लोग वापस नहीं जाना चाहते हैं? देखिए, काफी लोग ऐसे भी हैं जो वापस नहीं जाना चाहते, यही उनको, क्योंकि इंडस्ट्री शुरू हो गई है और यहाँ का एनवायरमेंट काफी अच्छा है राजस्थान का, तो ये ऐसा हो भी सकता है, लेकिन किसी कारणवश भी कोई नहीं उठा पा रहे होंगे। इसमें 10-5% ऐसे भी होंगे जो किसी कारण की वजह से या उस समय दूसरे काम में बिजी होने की वजह से नहीं उठा पा रहे हो, तो ये तो अभी पूरा इसको दोबारा से हम करवा रहे हैं जी। क्या कारण है कि फॉर्म क्यों नहीं उठ रहे हैं जी? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया टीकाराम जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो खबर यह भी है कि बहुत लोग शायद वापस नहीं जाना चाहते।